तरोका। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज से राज भारती, जो बसवार वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। राज भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम। राज भारती जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैडम, मेरा नाम राज भारती जी, उप बच्चा पासी, मामा भांजा का तलाव, धनुआ का मैं निवासी हूँ। वार्ड नंबर 22 बसवार से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। हमारे यहाँ पहली बार हमारा क्षेत्र नगर निगम में चयनित हुआ है, तो अतः मैं वार्ड नंबर 22 से पार्षद पद का प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। राज भारती जी, हर इंसान का मार्गदर्शक होता है एक राजनीति में, आपका कौन रहा है? मैडम, राजनीति में हमारे मामा जी के पूर्व सांसद बीजेपी से स्वर्गीय श्री डॉक्टर एमलाल भारती जी, तो हमारी उम्र उस समय मैम बहुत कम थी, तो उसके बाद से जब हम जानकार हुए हैं, लोगों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं समाज को, तब से हम राजनीति में मैडम जुड़े हैं, लेकिन किसी भी पार्टी से हमारा कोई वो नहीं रहा है। जी, आपके वार्ड की बात करें तो आपको कौन कौन सी समस्याएं वहां नजर आती हैं? मैडम, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि समस्याएं तो इसमें बहुत सी हैं। पहली बार नगर निगम में हुआ है, सबसे ज़्यादा समस्या तो सड़क और नाली की है, और हमारे बाज़ार में जो हमारा बाज़ार है मामा भांजा का तालाब, ये आपका रीवा हाईवे है, डायरेक्ट मुंबई को जोड़ता है ये हाईवे, 1 किलोमीटर का मार्केट है मैडम, और कितने राहगीर आते हैं, कितने लोग मार्केट में आते हैं, सबसे बड़ी समस्या मार्केट में हमारे शौचालय की है। एक भी सुलभ कम्प्लेक्स आपको नहीं मिलेगा, न प्राइवेट और न ही सरकारी। तो पहले तो मैडम सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि ये चीज सही हो। भारती जी, ये बताइए, नाली जी, भारती जी ये बताइए कि देश में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव का लड़ने का क्यों सोचा? मैडम देखिए, राजनीतिक में कभी कोई वो रहा नहीं है, किसी से कोई पहचान रही नहीं है, तो हम टिकट के लिए किससे कहें, किसके पास जाएं, इसका अनुभव तो हमें था नहीं, तो हम कहे क्या किसी पार्टी में रह के ही समाज सेवा किया जा सकता है? समाज सेवा तो आदमी निर्दलीय और ऐसे ही कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी में हो तभी समाज सेवा करे। भारती जी, कब आपको लगा कि राजनीति में जाना चाहिए, क्यों आपको राजनीति में आने का फैसला आपने लिया, ये इसके पीछे का क्या कारण है? मैडम, इसके पहले का कारण ये है मैडम, राजनीति में आने का फैसला हमने इसलिए लिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने से नहीं करा सकते, तो वो हमको सरकार से लेनी ही पड़ेगी। जो हम अपने जनता के बीच में जो समस्याएं हैं उसको
सरकार से ला के जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए और अपनी बातों को जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है जनता की बातों को, तो वो राजनीतिक में आके ही पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब राजनीतिक में आना चाहिए मैडम, इसलिए हम राजनीतिक में उतर रहे हैं। भारती जी, अगर आप जीत जाते हैं तो आपके वार्ड में 5 ऐसे कौन से काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैंने बताया कि मार्केट, जितने भी मार्केट हैं उसमें सबसे पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था हो, उसके बाद गांव में नाली और सड़क की व्यवस्था हो, और जो पानी की समस्या है मैडम, और हमारे बसवार में एक प्लांट है कूड़ा प्लांट, तो जिसके वजह से मैडम बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, पूरे शहर का कचरा आता है बीचों बीच यहाँ पे जमा होता है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसको यहाँ से कहीं और कराया जाए, सरकार इसको परिवर्तित करे कहीं और पे ले जाके, क्योंकि यहाँ प्रदूषण की वजह से मैडम पानी, आप यहाँ बसवार में पानी चालू करिए और बाल्टी में रख दीजिए, सुबह देखिए आपको पानी काला दिखेगा कि इसमें कितनी प्रदूषण है, आपको एकदम साफ नजर आएगा, और पूरा पानी यहाँ का कचरा रिफाइन होकर के सीधा जमुना जी में जाता है। यही सब मुद्दे हैं। भारती जी, ये बताइए जनता के बीच आपके कौन से अहम मुद्दे हैं जो लेकर जाएंगे? अहम मुद्दे हमने आपसे बता दिया, अब इसमें और इससे अहम मुद्दे क्या है मैडम, जो पब्लिक की, जो जनता की काम पूरा नहीं हो पा रहा है, सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको सरकार तक पहुंचाना, यही सबसे बड़ी मुद्दा है कि सरकार उसको देखे, उसको पूरा करे कि हाँ पब्लिक जो मांग रही है जायज है कि नहीं है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भारती जी, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो आप अपने वार्ड में क्या काम करना चाहेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर? शिक्षा के प्रति तो हम मैम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हैं किसी भी वर्ग के हों, वो तो ये कहेंगे कि वो स्कूल की तरफ रुख करें, अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजें, और स्वास्थ्य में ये कहेंगे कि जैसे नाली बन गई है, लोग पानी बहा रहे हैं, अगर पानी बहने का कहीं पे रास्ता नहीं निकल रहा है तो अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पास वो एक छोटा सा टैंक बना ले जिसको सुक्ता बोलते हैं, जिसमें पानी डंप हो जिससे कीड़े मकौड़े ना निकलें, वही पानी प्रदूषित में कीड़े पैदा होते हैं, वही मच्छर काटते हैं लोगों को, उसी से डेंगू मलेरिया तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। भारती जी, आपने अभी सफाई की बात की है, मैंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य ये हमारा है चाका ब्लॉक, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जितने भी बंद हैं, जो सुचारू रूप से चालू नहीं, अगर चालू भी हैं तो वहाँ पता चला दवा नहीं मिल रही है, मेडिकल से बाहर दवा लिख दिया जा रहा है कि आप दवा बाहर से लेके आइए, तो हम यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ब्लॉक पे उपलब्ध हो लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेडिसिन को ले नहीं सकते हैं, तो वो उनको वहां से मुहैया हो, ब्लॉक से मुहैया हो। जी, आपके वार्ड में जो अभी वर्तमान पार्षद है उनकी कार्यशैली कैसी है? मैडम, पहली बार तो हमारा ये वार्ड नगर निगम में हुआ है, तो अभी तो कोई पार्षद है नहीं जी, तो हम किसको बता दें कि उसकी कार्यशैली क्या है? अगर नगर निगम से मिलने वाली कौन सी सुविधाओं के बारे में आप क्षेत्र को जागरूक करने का काम करेंगे? मैडम, पहले वहां पहुंचे,
तो हम जानकारी लें। कुछ तो जानकारियां ऐसी हैं कि जो अभी हम गिना नहीं पाएंगे आपको, बहुत से ऐसे काम हैं जो गिना नहीं पाएंगे और उतना टाइम आप हमको दे नहीं पाएंगी। अगर टाइम दें आप एक आध डेढ़ घंटा तो हम बड़ा बारीकी से आपको एक एक चीज बताते चलें। नहीं नहीं ऐसे ही कोई 5-6 बता दीजिए। 5-6 मैडम, जैसे पानी की सुविधा, सुलभ कम्प्लेक्स की सुविधा, नाली की सुविधा, सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, जो सुचारू रूप से जो लाइटें नहीं जल रही हैं, सेल्फल कहीं लगवाना, लाइटें जलवाना, जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचा है, खंबे नहीं लगे हैं वहां खंबे लगवाना, लाइट पहुंचाना। भारती जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है, आप अपनी बात प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में मैडम मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे सभी क्षेत्रवासी नगरवासियों को मेरा सदर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं उनसे चाहता हूं कि एक बार वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाएं और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं इनकी समस्याओं को ले जाकर के वहां सभागार में रखूं, सदन में रखूं और इनके लिए वो काम जो है मैं सरकार से लेकर के आऊं और इनके बीच वो काम चालू हो जो पब्लिक को लग रहा है कि ये चीज होना चाहिए, नाली बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, तो वो लाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ ये काम है और ये काम होना चाहिए, तब सरकार हमको देगी कि हाँ ये काम होना चाहिए। भारती जी, आखिरी सवाल है हमारा कि आपने इतनी समस्याओं को बताया तो क्या लगता है जनता का कितना समर्थन मिलेगा आपको? मैडम अब जनता का समर्थन है, सपोर्ट है, हम मार्केट में आए हैं, पब्लिक हमारे साथ है, हमको स्वीकार कर रही है कि ठीक है आप आइए, तो हम मैडम मैदान में उतरे हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा, उनके विश्वास पे हम आए हैं, बाकी उनका जैसा आशीर्वाद रहेगा, उनका जैसा सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, वो नतीजा सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई प्रयागराज से राज भारती, जो बसपर वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।